हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेसेस का एक नेक्स्ट जो टॉपिक है वो, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अभी से पहले हमने जो लाइफ प्रोसेसेस के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए, जिसके अंदर हमने डाइजेशन किया था प्लांट्स और ह्यूमंस का, उसके बाद में हमने रेस्पिरेशन किया प्लांट्स और ह्यूमंस का, नेक्स्ट हमने किया था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, और आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को शुरू करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में होता क्या क्या प्रोसेस है। तो बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है उसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एक तो वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो, और एक आपका फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो। एक बेसिक चीज़ थी कि जो प्लांट्स वाटर लेते हैं वो रूट से एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स और जो भी होते हैं, जैसे उनको खाद दी जाती है उनके अंदर मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, और वाटर जो होता है वो रूट से लेके जाते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास फूड। फूड क्या होता है, वो प्लांट्स से बनाते हैं, ग्रीन लीव्स बनाते हैं, यानी कि क्लोरोफिल जो होती है वो बनाते हैं, यानी कि जो ग्रीन पार्ट होता है वो फूड बनाता है। तो फूड का ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा, ग्रीन पार्ट से लेके नॉन ग्रीन पार्ट तक हो सकता है। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, फर्स्ट है वाटर एंड मिनरल्स, सेकंड है हमारे पास फूड। ठीक है, तो वाटर का और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम वेसल करवाती है, और फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फ्लोएम वेसल करवाती है। ठीक है, अब जाइलम वेसल के अंदर हमारे पास जो वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन है वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के थ्रू और एक रूट प्रेशर के प्रोसेस के थ्रू। ट्रांसपीरेशन आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि ट्रांसपीरेशन हमारा होता है लॉस ऑफ वाटर, वाटर का पानी का जो लॉस होता है प्लांट के टिप्स के ऊपर से, जैसे ओस आती है उसके कारण हो सकता है, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है यानी कि बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा होने के कारण जो पत्तों के ऊपर से पानी जो उड़ जाता है उसका इवेपोरेशन जो हो जाता है उसको हम नाम देते हैं ट्रांसपीरेशन का। तो बेसिकली आप ट्रांसपीरेशन को बोल सकते हो लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है रूट प्रेशर। नेक्स्ट जो हमारा फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फ्लोएम के थ्रू होता है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, पहले ट्रांसपीरेशन और रूट प्रेशर को, और देन हम फूड का ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट, और देन हम करेंगे फूड का ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली होता क्या है, देखिए जो जाइलम हमारे पास होता है, जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करता है वो यूनिडायरेक्शनल करता है, यूनिडायरेक्शन के अंदर करता है। यूनिडायरेक्शन का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होता है, वो होता है रूट से लेके अपर पार्ट तक। क्योंकि पानी कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, रूट से एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल्स भी कहाँ पे होते हैं, रूट से, रूट्स में। तो ये हमेशा क्या करेगा, जो इसका ट्रांसपोर्ट करने का तरीका या ट्रांसपोर्ट करने की जो डायरेक्शन है वो हमेशा एक ही रहती है, अपर पार्ट से लोअर पार्ट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन जो फ्लोएम के थ्रू हम कराते हैं। तो फ्लोएम के थ्रू जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। बाई डायरेक्शनल क्योंकि शुरू में मैंने आपको बताया कि फ्लोएम क्या करता है, जो फूड की ट्रांसपोर्ट करता है, और फूड कहाँ पे बनता है, ग्रीन लीव्स बनाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो क्लोरोफिल होता है और लाइट को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर जो आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है पत्तों के अंदर, वो आपका खाना बनाता है। तो खाने को जब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हमारा जो खाना है वो ट्रांसपोर्ट होता है ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट्स के अंदर। ठीक है, अब नॉन ग्रीन पार्ट कहीं पे भी हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। तो ये जो डायरेक्ट हमारे पास फ्लोएम के कारण जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल मतलब ऊपर नीचे दोनों डायरेक्शंस के अंदर हो सकता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट ट्रांसपीरेशन के, ट्रांसपीरेशन के अंदर से हम फूड यानी कि वाटर और मिनरल्स को कैसे ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए, ट्रांसपीरेशन अभी बताया था कि लॉस ऑफ वाटर होता है फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, बेसिकली लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट टिप भी हो सकता है हाई प्रेशर के कारण। तो अब इसके थ्रू हमारा वाटर मॉलिक्यूल कैसे ऊपर जाएगा, तो हमने एक एग्जांपल कंसीडर कर ली, ये हमारे पास कोई प्लांट है या कोई ट्री है ये मान लिया हमने। अब इसके अंदर ये सेल्स हैं हम अज्यूम कर रहे हैं, तो इस सेल के अंदर ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है ये ट्रांसपीरेशन के थ्रू बाहर निकल गया, तो यहाँ पे एक वैकेंसी आ गई, खाली जगह आ गई, इस वैकेंसी को यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो भर देगा। ठीक है, जब ये वाला वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकला है, ये वाला यहाँ पे पहुँच गया, तो यहाँ पे वैकेंसी आ गई, इस वैकेंसी को भरता है ये वाला। अब ये जब निकलेगा तो इसकी वैकेंसी को ये पूरा करेगा, तो वन बाय वन ये क्या है, पानी ऊपर की तरफ मूव करता जाता है। अब ये प्रोसेस क्या होता है, ऑस्मोसिस बोलते हैं। जब ऑस्मोसिस क्या होता है, जब आपका पानी जो होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर जाता है। लो कंसंट्रेशन मतलब एक हाई कंसंट्रेशन का मतलब जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है और
हाई लो कंसंट्रेशन का मतलब कि पानी की मात्रा कम है, और हाई कंसंट्रेशन का मतलब कि जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो हमेशा जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर पानी जाएगा, यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल जैसे ही निकला यहाँ पे वैकेंसी आ गई, यहाँ पे पानी नहीं है, तो यहाँ पे पानी ज़्यादा था तो यहाँ का पानी इधर फ्लो कर जाता है। जब यहाँ पे पानी कम हो गया तो यहाँ पे अगर ज़्यादा बच गया अब तो ये यहाँ पे फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते जाते हैं, और वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो रूट से लेके ऊपर आपके जो ट्री टॉप है वहां तक हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली आपका लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट टिप और टॉप ड्यू टू हाई टेम्परेचर के कारण होता है। अब सो द वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज लॉस, देन द वाटर मॉलिक्यूल ऑफ नेक्स्ट सेल गेट डिफ्यूज इन टू द वेकेंट सेल एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस विच ऑल्सो टेक्स इन अदर सेल्स एंड इन दिस वे द ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारा अक्कर होता है कि एक सेल में से पानी निकलेगा तो दूसरे सेल वाला जो पानी है वो उस खाली सेल के अंदर चला जाता है, और वैसे वैसे हमारा पानी है वो ऊपर की तरफ मूव करता जाता है, और ट्रांसपिरेशन के थ्रू हमारा जो पानी को ट्रांसपोर्ट करने का, उसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने का जो प्रोसेस है वो अक्कर करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था रूट प्रेशर। रूट प्रेशर के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे देख लिए ये आपको एक रूट दी हुई है, रूट के अंदर हमारे पास होता है सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है। ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये भी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं किसको, सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ये यहाँ पे जो साइड में आपके पास मिट्टी पड़ी है इसके अंदर क्या होता है, पानी भी होता है और इसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, पौष्टिक तत्व भी होते हैं, जो क्या करते हैं आपके जो प्लांट होता है उसको पोषण प्रदान करते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन ऑफ वाटर और मिनरल है, यहाँ पे भी सॉल्यूशन ऑफ वाटर और मिनरल है। अब ये रूट क्या करेगी, ये रूट हेयर्स जो हैं ये क्या करेंगे, ये बाहर वाला जो मिनरल है यहाँ से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे, यानी कि आयंस को एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे। वो प्रोसेस होता किसके थ्रू है, जब वो अपनी एटीपी को या अपनी एनर्जी को यूज़ करते हैं जो उसको फूड के थ्रू मिली है, ठीक है, उसको यूज़ करके ये यहाँ से मिनरल्स को और आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब आयंस यहाँ पे ज़्यादा हो गए, आप क्या करते हो, आपके पास कोई एक सोल्यूशन है, ठीक है, मान लो सैंड एंड वाटर है, मिट्टी और पानी का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब वो सॉल्यूशन था, ठीक है, अब यहाँ पे वाटर आपका सॉल्वेंट है जिसके अंदर चीज़ घुल रही है, और ये सैंड आपकी सॉल्यूट है जो किसी सॉल्वेंट के अंदर घुलती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, बाहर से थोड़ी मिट्टी और ला के डाल दूँ तो यहाँ पे जो आपका सॉल्यूट है वो बढ़ गया, सॉल्वेंट है वो कम हो गया ना। तो वैसे क्या होगा, बाहर से जब मिनरल एब्जॉर्ब करेंगे रूट हेयर, सो यहाँ पे जो मिनरल की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी और वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो ये बाहर वाला पानी है वो अंदर मूव कर जाएगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर, जो हमने अभी किया था प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस की, अपने आप इधर से मूव कर जाएगा। तो पानी यहां से यहां मूव कर गया, इसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मिनरल्स को ये एब्जॉर्ब करके खुद ले ही रहे थे। तो हुआ क्या था, आयंस है वो एब्जॉर्ब करती है रूट्स एनर्जी को यूज करके, कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी की फॉर्म में, और इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन वो एब्जॉर्प्शन होता है जब हम किसी चीज को सोखते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा रूट प्रेशर के अंदर क्या होता है, जो आपके आयंस थे वो आ जाते हैं प्लांट रूट के अंदर, और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वो डिक्रीज हो जाते हैं, मिनरल्स की या आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, तो इसके कारण जो आपका वाटर है वो फ्लो कर जाता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर, यानी कि इनसाइड द रूट चला जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट। हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कर लिया, दो प्रोसेसेस के थ्रू हुआ था, एक ट्रांसपिरेशन और एक हमारे पास था रूट प्रेशर, और अब हम करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो है वो कौन सा आपका वेसल करवाता है, फिलोम वेसल करवाता है। अब फिलोम वेसल कैसे करवाएगा फूड का ट्रांसपोर्ट वो देखिए, जैसे हमने क्या कर लिया, एक एग्जांपल कंसीडर कर ली, नीचे जो आपको डायग्राम दिख रहा है उस डायग्राम से ही हम कर लेते हैं। ये आपका वो ग्रीन पार्ट है जहाँ पे खाना तैयार किया जाता है यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल को यूज़ करके, ग्रीन प्लांट जो आपके पत्ते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होती है, यहाँ पे आपका खाना तैयार किया जाता है, उसको सुक्रोज के फॉर्म के अंदर स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, फिलोम टिश्यू करेगा, जो फिलोम वेसल है वो करेगा, तो फिलोम के अंदर हमारे पास क्या सुक्रोज है, ठीक है। अब ये जो सुक्रोज होते हैं, ये यहाँ पे जो सुक्रोज है इसको फिलोम के अंदर, नियर बाय फिलोम के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, जो आपका बिल्कुल पास में फिलोम पड़ा होता है उसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है यूजिंग एटीपी, एटीपी को यूज करके उसको ट्रांसफर किया जाता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, सुक्रोज हो गया, सुक्रोज हो गया, सुक्रोज हो गया। अब सुक्रोज की हाई कंसंट्रेशन हो गई यहाँ पे, अब क्या होगा, जो जाइलम के अंदर वाटर और मिनरल्स पड़े हैं वो क्या करते हैं, इस साइड सुक्रोज वाली साइड फ्लो कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन है वो कम है, तो वाटर हमेशा
में क्या करता है, ऑस्मोसिस के थ्रू हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में फ्लो कर जाता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये एक सॉल्यूशन बन गया सुक्रोज और वाटर का, ठीक है। अब यहाँ पे ये हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर एरिया यानी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की जाता है, अगेन ऑस्मोसिस होगी और ये जो सॉल्यूशन है ये आपका उस एरिया में चला जाएगा जहाँ पे हमें मान लो यहाँ पे फूड की रिक्वायरमेंट थी और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन नहीं है, यहाँ पे इसका प्रेशर नहीं है, तो ये भी क्या करेगा, फ्लो कर जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। कहाँ पे, लो सरफेस, जो आपका लो जो एरिया था प्रेशर का, वहाँ से हाई प्रेशर में, या जो फ्लो ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन हो जाता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बाय डिफ्यूज़न, ठीक है। तो ऐसे आपका जो सुक्रोज है वो फिल करता है, क्या था, ग्रीन पार्ट के अंदर फूड बना था, वो फूड था सुक्रोज के फॉर्म में होता है। अब मान लो यहाँ पे हमें फूड चाहिए, तो यहाँ पे फूड लाने के लिए क्या करते हैं, नियर बाय फिलोम के अंदर हम सुक्रोज को ट्रांसफ़र करते हैं यूजिंग ATP। ATP को यूज़ करके फिलोम के अंदर सुक्रोज ट्रांसफ़र किया, अब ये फिलोम के अंदर सुक्रोज सुक्रोज ही बन रहा है। अब यहाँ पे से क्या होता है, जाइलम में से पानी है वो इधर फ्लो कर जाता है, क्योंकि जाइलम में पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे पानी है ही नहीं, सिर्फ सुक्रोज है, तो ये ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन बन गया किसका, वाटर और सुक्रोज का। अब यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया यानी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इसके कारण ये हाई प्रेशर का एरिया हो गया, तो ये भी क्या करेगा, हर एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर फ्लो करके जाता, तो ये जो एरिया जहाँ पे हमें खाना चाहिए वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है सुक्रोज की और वाटर की वो लो है, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में फ्लो कर जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, ठीक है। देख लीजिए हुआ क्या था, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो होता है प्लांट्स के अंदर, उसको नाम दिया जाता है प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के ऊपर जाना, द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसलोकेशन। अब ये होता कैसे है, यूजिंग ओटीपी सुक्रोज को शिफ्ट करते हैं नियर बाय फिलोम टिश्यू के अंदर या फिलोम वेसल के अंदर, ATP को यूज़ करके पहले सुक्रोज को सबसे पहले प्रोसेस पार्ट के अंदर, सबसे पहले स्टेप के अंदर फिलोम टिश्यू में ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड स्टेप है उसके अंदर हमारा क्या किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है वाटर फ्रॉम द फिलोम टू जाइलम, से वाटर को फिलोम के अंदर लेके जाते हैं ऑस्मोसिस, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये वाला जो प्रोसेस हुआ था। उसके बाद में जो सुक्रोज है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू द ग्रीन टू नॉन ग्रीन प्लांट्स, फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फिलोम के थ्रू होता है, फिलोम क्या करता है नॉन ग्रीन से ग्रीन तक लेके जाता है, और वो ग्रीन कहीं भी हो सकता है, तो ये हमने फर्स्ट स्टेप में बोला था कि बाई डायरेक्शनल होता है या किसी भी डायरेक्शन के अंदर वो जा सकता है। तो अब जो सुक्रोज है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ये नॉन ग्रीन था, ये ग्रीन था दिख रहा है आपको, तो ग्रीन से नॉन ग्रीन में आ गया, तो यानी कि आपकी ट्रांसलोकेशन होगी या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक, तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स किया है, इससे पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन इन जो ह्यूमन था वो डिस्कस किया था। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन को डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस दोनों को कंसीडर करेंगे, ठीक है।